मैं कहूँ कि 90% लोग वर्ण व्यवस्था का अर्थ नहीं समझते तो शायद आप यकीन ना करें। गुण कर्म विभाग अशा। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने जाति को नहीं बल्कि गुण और कर्मों को बांटा है। तो फिर यह जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था किसने और कब शुरू की? और इसी कल्पित वर्ण व्यवस्था की वजह से लोग दूसरे संप्रदाय के निर्माण में और उनसे जुड़ने में लग गए ताकि उसे वहाँ उपेक्षा नहीं सम्मान मिले। देखते ही देखते असंख्य संप्रदाय खड़े हो गए जिन्हें हमने धर्म का नाम दे दिया। बल्कि सच तो ये है कि ये जातियाँ होती ही नहीं है। असुर, देव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, मानव, ये सब जातियों के प्रकार थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नहीं, जो ब्रह्म को जानता है वो ही ब्राह्मण है। इसी क्रम में नीचे की ओर योग्यता वालों को क्षत्रिय, वैश्य और सबसे अल्प ज्ञान वालों को शूद्र कहा गया है। गुरु विश्वामित्र जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्षत्रिय थे, लेकिन सभी लोग उन्हें ऋषि विश्वामित्र के नाम से जानते हैं क्योंकि वो ब्रह्म को जानते थे। हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि जिन जातियों और वर्णों की बात हम करते हैं वह परमात्मा ज्ञान में हमारी योग्यता का स्तर मात्र है, ना कि हमारा जन्म आधारित ब्राह्मण होने का अहंकार या शूद्र होने पर नीचता का भाव। शूद्र यदि ज्ञानी है तो वह ब्राह्मण है, और अगर कोई ब्राह्मण परमात्मा ज्ञान से परिचित नहीं है तो उसे योग्य गुरु के पास जाना होगा और ज्ञान प्राप्त करना होगा भले ही वो शूद्र ही क्यों ना हो। तो गीता के अनुसार ब्राह्मण या शूद्र अपने गुणों और कर्मों से होता है, जाति से नहीं।